Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज हम वापस से आ गए हैं इंडियन GTA गेम में, और यार यहाँ पे हमारे पास में जितने भी व्हीकल्स हैं ना, इन सबको आज हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इनफैक्ट हम अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। यार दोस्तों, हम इस चॉपर में बैठ के चलेंगे आसमान की ऊंचाइयों में, और फिर वहां से जंप करेंगे और हमारे इस बॉडी बिल्डर हीरो की स्ट्रेंथ पता करेंगे। मतलब यार, ये चॉपर से गिरने के बाद तो क्या ही जिंदा बचेगा, मुझे नहीं लगता ये जिंदा बचेगा, ये मर जाएगा। लेकिन यार इसकी मौत कैसी होगी, मतलब हाथ पे टूटेंगे, क्या होगा भाई इसके साथ में, वो सब हम देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से जंप करवाने से पहले हम इसे अलग अलग बिल्डिंग से ऊपर भी जंप करवाएंगे, क्योंकि यार इसी से तो पता चलेगा आखिर इसका टॉलरेंस कितना है। तो यार दोस्तों देखेंगे ये हमारे रोपीरो जितना पावरफुल है या नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो रोपीरो को कितनी भी हाइट से जंप करा दो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो देखते हैं इसका कुछ बिगड़ता है या नहीं। सबसे पहले हम निकाल लिए आरपीजी और सारे के सारे व्हीकल्स को ब्लास्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, लेकिन सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो जल्दी से टेस्टिंग करके देखते हैं आरपीजी के अगेंस्ट कौन सा व्हीकल बचता है। ओ भाई, बाइक के तो परखच्चे उड़ गए, साथ ही में हम भी नीचे गिर गए, लेकिन चलो कोई नहीं, हेल्थ को ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे, दूर से ही शूट करेंगे। तो अब नंबर आने वाला है भाई रेंज रोवर का। ओ भाई, रेंज रोवर का तो भाई ये पहले से ही टूट गया भाई, सामने वाला जो कांच आता है मैन, यार भाई ये क्या सीन हुआ, मतलब ऐसा ब्लास्ट हुआ रेंज रोवर के शीशे टूट गए भाई साहब, देख सकते हो एक बैक साइड का भी टूट चुका है। तो यार मतलब काफी तगड़ा सीन है, देखते हैं एक ही आरपीजी में शायद ये रेंज रोवर भी ब्लास्ट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि आरपीजी को सहन कर पाएगी। तो चलो जल्दी से शूट कर। ओ भाई, इसके तो पर खर्चे कुछ ज्यादा खतरनाक गुण है, और यार इसके ब्लास्ट होने की वजह से हमारी छोटी वाली कार को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, वेगनार इतनी मजबूत आती है मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब यार बाइक के ब्लास्ट होने की वजह से रेंज रोवर के शीशे टूट गए, लेकिन भाई साहब रेंज रोवर के ब्लास्ट होने की वजह से वेगनार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सच में ये काफी ज्यादा सॉलिड निकली है। चलो देखते हैं। ओ भाई, आरपीजी के सामने कोई सॉलिड नहीं है, वेगनार के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। अब बची हमारी लैम्बोर्गिनी, तो चलो जल्दी से इस लैम्बोर्गिनी को भी उड़ाते हैं। ओ भाई साहब, मतलब यार एक एक आरपीजी में सारे व्हीकल्स ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, कोई भी नहीं बच रहा है, देख लो आप लोग। तो यार सच में आरपीजी काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन ये वाला व्हीकल तो भाई पक्का बचेगा, क्योंकि इसे हम वाइस टाउन में भी आरपीजी से ब्लास्ट नहीं कर पाते, और मुझे लगता है यहां भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार ये बाइसकल्ला सबसे ज्यादा खतरनाक आती है, मतलब इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई आरपीजी का। देखना अभी हम इसे आरपीजी से शूट करने वाले हैं, फिर भी देखना इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार ये पता नहीं कैसे मेटल से बन के आती है। यार इसका मेटल इतना सॉलिड होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने आरपीजी मार लो। देखना अभी हम इसे शूट करेंगे भाई, इसके रबड़ वाले टायर भी नहीं ब्लास्ट होंगे, देखियो आप खुद ही। तो ये देखो दोस्तों, कुछ फर्क पड़ा कुछ नहीं भाई, जंप करके वापस नीचे आ गई है, और इससे ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है। और ये लो, हमने दोबारा से शूट किया, लेकिन भाई हमारी हवा टाइट हो गई, हम ही नीचे गिर गए, लेकिन बाइसकल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यार ये सच में काफी ज्यादा सॉलिड आती है, मतलब वाइस टाउन के अंदर भी हम बाइसकल को ब्लास्ट नहीं कर पाते, बाकी सारे व्हीकल्स को ब्लास्ट कर देते हैं, और यहाँ भी नहीं कर पा रहे। तो भाई साहब बाइसकल तो काफी ज्यादा सॉलिड है, अब देखने वाले हैं हम कि हमारा ये हीरो कितना सॉलिड है, मतलब रोप हीरो जितना सॉलिड है या नहीं। तो चलो जल्दी से चलते हैं और एक बिल्डिंग से जंप लगाते हैं। दोस्तों हमारा रोप हीरो तो इतना पावरफुल आता है कि उससे चाहे कितनी हाइट से जंप करा दो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन इस हीरो के साथ क्या सीन होने वाला है मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, लास्ट गेम प्ले वीडियो, मतलब इस गेम के फर्स्ट वीडियो में हमने इसे हमारे घर से जंप करवाया था, तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बस थोड़ी सी हेल्थ डैमेज हुई थी, लेकिन आज हम इसे घर से तो काफी ज्यादा हाइट से गिराने वाले हैं। सबसे पहले हम जाने वाले घर के बाजू वाली बिल्डिंग पे, जो कि घर के मुकाबले 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ी है, और उसके बाद में भी अगर ये जिंदा बच गया ना तो इसे सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग से जंप कराएंगे, और अगर ये वहां से भी जिंदा बच गया ना तो फिर इसे हम हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप करवाएंगे। तो चलो यार दोस्तों चलते हैं जल्दी से सामने वाली बिल्डिंग पे, और देखते हैं इसकी हेल्थ कितनी डाउन होती है या फिर ये इस बिल्डिंग से गिरने के बाद मर ही जाएगा। तो जल्दी से आप सबको लेके चलते हैं इस सामने वाली बड़ी सी बिल्डिंग पे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस डेस्टिनेशन पे जहां से हम जंप करने वाले हैं। तो यार दोस्तों ये बिल्डिंग जो है हमारे घर के जस्ट बगल में ही है, और ये ना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, मतलब मिड रेंज वाली बिल्डिंग है। ये देखो इस तरफ हमारा घर है, शायद यहां से नजर आएगा। ओ भाई, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यार बिल्डिंग के मुकाबले घर काफी ज्यादा छोटा रह गया, और अगर ज्यादा देखने का ट्राई करेंगे तो इधर ही स्लिप होकर गिर जाएंगे भाई। तो हमें इधर नहीं गिरना है, हमें सामने की तरफ जंप करना है। तो चलो जल्दी से चल के जंप करते हैं सामने की तरफ से, और देखते हैं जिंदा बचते हैं या नहीं। ओ भाई गया, मैं तो पैर स्लिप हो गया। ओ भाई गया 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 भाई, खतरनाक तरीके से गिरने वाला हूं। ओ भाई यार, खतरनाक तरीके से हमने जंप किया है, मतलब एकदम बॉल की तरह उछले, और हेल्थ देखो भाई, हेल्थ कितनी ज्यादा डाउन हो गई। सच में यार अगर बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी ज्यादा और हाई होती, और या फिर हमारा गिरने का पोस्चर थोड़ा सा और गलत होता ना भाई, पैर स्लिप हो गया तो मैं तो ठीक से जंप भी नहीं कर पाया, इसी वजह से इतनी हेल्थ डाउन हो गई, वरना इतनी हेल्थ डाउन होनी नहीं चाहिए थी, काफी ज्यादा पावर
पावरफुल है हमारा ये सुपर हीरो भाई साहब, काफी ज्यादा पावर है इसके अंदर। सच में मान गए यार, कितना मस्कुलर बंदा है, एकदम बॉडी वॉडी बना रखी है इसने। और ये देखो यार, ये वो बिल्डिंग है जहां से हमने जंप किया, देख लो आप ही लोग कितनी ज्यादा हाइट से हम जंप करके जिंदा बच गए। और जंप नहीं किया भाई, ये तो पैर स्लिप हुआ था। जंप करते तो एकदम सही तरीके से उतरते, मतलब इतनी ज्यादा हेल्ड डाउन नहीं होती, हमारा पैर स्लिप हुआ फिर भी हम भाई जिंदा बच गए, काफी तगड़ी बात है। दोस्तों अब नंबर आता है इस सामने वाली बिल्डिंग का। ये जो बिल्डिंग है ना, ये इस सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो अब हम उस बिल्डिंग से जंप करने वाले हैं, क्योंकि यार मिड रेंज वाली बिल्डिंग से तो हम जिंदा बच के आ गए। ये देखो हमने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया अपने लिए, तो अभी हम अपने हेलीकॉप्टर को लेकर जाने वाले हैं सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर और फिर वहां से जंप करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हमने अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया और अभी भाई हम अपने हेलीकॉप्टर को लेके जाने वाले उस बिल्डिंग के ऊपर। वहां पे भाई एकदम सेफली इसे लैंडिंग करवाएंगे और उसके बाद में हम उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करके जमीन पे लैंड करने वाले। अब देखते हैं लैंड कर पाएंगे या फिर क्रैश हो जाएंगे भाई हम, पता नहीं यार। इतनी हाइट से गिरने के बाद शायद मर भी सकते हैं, लेकिन देखते हैं वो होता क्या है भाई। अभी लास्ट वाली बिल्डिंग से तो ना भाई मैं जंप कर रहा था ठीक से, लेकिन यार स्लिप हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे। इसी वजह से हेल्थ ज्यादा डाउन हो गई, वरना इतनी हेल्थ डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार काफी ज्यादा पावरफुल है हमारा ये हीरो भाई। हेलीकॉप्टर ठोक दिया ले जाके बिल्डिंग के अंदर। यार दोस्तों पता नहीं क्या ही सीन हो रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर को सीधा ले जाके बिल्डिंग के अंदर ठोक दिया। छत पर लैंडिंग करानी थी इसकी, तो चलो कोई बात नहीं अब लैंडिंग करवा देते हैं इसकी। ओ भाई कैसे करवा रहा है ये ऐसे, अरे दादा यार ये काफी खतरनाक तरीके से चला था हेलीकॉप्टर को हमारा हीरो। तो चलो कोई नहीं, कैसे भी करके इसने फाइनली लैंडिंग कर ली है और अभी हम जंप करने वाले इस बिल्डिंग के ऊपर से। तो भाई इस तरफ फेस है और इधर ही हमने जंप किया, इस बार सही तरीके से जंप किया हमने एकदम जंप लगा के, और देखते अभी क्या ही सीन होता है। ओ भाई साहब, अरे यार क्या बात है दोस्तों, हम यहाँ से गिर के भी जिंदा बच गए। और ये देखो यार हेल्थ बार इतना ज़्यादा डाउन नहीं गया, मतलब यार हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हमारी, काफ़ी ज़्यादा बच गई है, क्योंकि अभी लास्ट वाली बिल्डिंग जो थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और वहाँ से हम स्लिप होने की वजह से गलत तरीके से गिरे थे, इसी वजह से हमारी हेल्थ ना मतलब ज़्यादा डाउन चली गई थी। अभी के मुकाबले भी ज़्यादा डैमेज हुई थी हेल्थ, लेकिन अभी देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग से जंप किया हमने फिर भी हमारी हेल्थ रेड जोन में नहीं गई, ग्रीन जोन में ही है। इसका मतलब यार ये डिफरेंस होता है जंप करने में और स्लिप होने में, आई होप आप लोग जान गए होंगे। तो चलो यार दोस्तों ये देखो अभी भी हमारे पास में इतनी ज्यादा पावर है कि हम एक ही पंच में किसी को भी ढेर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक छोटी बिल्डिंग से जंप किया, उसके बाद में एक सबसे बड़ी बिल्डिंग से जंप किया, फिर भी हम नहीं मरे। तो अब हमारा नंबर आता है भाई हेलीकॉप्टर से जंप करने का। तो अभी हम भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के जाने वाले हैं मैक्सिमम हाइट पे इस आसमान में और फिर वहां से हम जंप करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या हम फिर भी जिंदा बच पाएंगे। तो चलो दोस्तों हम आ चुके हैं एकदम मैक्सिमम हाइट पे, इससे ज़्यादा हाइट पे भाई ये हेलीकॉप्टर भी नहीं जा पाता। तो मतलब यार सिटी की सब बिल्डिंगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम, और ये देखो अब इससे ज़्यादा ऊपर ये हेलीकॉप्टर भी नहीं जा रहा। तो दोस्तों अभी हम इस हेलीकॉप्टर से जंप करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं। वैसे यार इतनी ज्यादा हाइट पाने के बाद में जिंदा बच पाना मुझे तो थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन क्या पता भाई, इस हीरो के बारे में कुछ कह नहीं सकते। देख लो यार कितनी ज्यादा हाइट से अभी ये पहले जंप किया था फिर भी ये जिंदा बच गया था। तो चलो देखते हैं अब यहां पे क्या सीन होता है। अभी हम हेलीकॉप्टर से यहां पे सराउंडिंग खेल रहे हैं भाई, घूम रहे हैं अच्छे से और अब हम जंप करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो यार हम कितनी ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं, इससे ज्यादा हाइट पे अभी ये हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। तो चलो जंप लगाते हैं यहां से। तो ये लो भाई साहब, भाई यहां से तो तगड़े तरीके से गिरे हम और देखते हैं भाई क्या ही सीन होता है। वैसे जंप बड़ा अच्छा किया हमने, लेकिन जिंदा बचेंगे या नहीं ये नहीं जानते। ओ भाई साहब ये क्या सीन हुआ, ओ भाई मर गए यार। मैंने पहले बोला था भाई मुझे मतलब कम चांस लग रहे थे जिंदा बचने के, और भाई कितना तगड़ा जंप कर रहा है अभी भी, मतलब गिरने के बाद में जमीन से ठप्पा खा के भाई देखो हवा में उड़ रहा है हमारा हीरो। तो फाइनली दोस्तों हमारा हीरो यार लास्ट में मर ही गया, क्योंकि यार इतनी ज्यादा हाइट से जंप करने के बाद में कैसे जिंदा बच सकता था यार ये। लेकिन ये हमारा हीरो अभी भी नहीं सुधरा यार, ये फिर से चॉपर लेके आ गया है और इस बार ये कह रहा है कि भाई मैं पानी में जंप करके देखूंगा, मतलब जमीन के ऊपर जंप करके देखा, हेलीकॉप्टर से जंप किया तो मर गया, बिल्डिंग से जंप किया तो बच गया, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर से भाई साहब ये जंप करेगा पानी के अंदर, इसलिए समुद्र के बीचों बीच आ चुका है। देखते हैं यार पानी के अंदर गिरने से क्या होता है, मतलब यार मरेगा तो नहीं डेफिनेटली, पानी में गिर के तो सभी बच जाते हैं, लेकिन पता नहीं यार इसकी किस्मत खराब हुई तो शार्क के मुंह में भी जा सकता है ये डायरेक्ट, पता नहीं क्या ही सीन होगा देखते हैं। लेकिन अभी हम आ चुके हैं मैक्सिमम हाइट पे, ये देखो यार इससे ज्यादा हाइट पे तो अब ये हेलीकॉप्टर भी नहीं जा रहा। तो यहां से हम जंप करने वाले हैं एकदम पानी के अंदर और फिर देखने वाले हैं कि क्या ही सीन होता है। चलो देखते हैं मरेगा या जिंदा बचेगा कुछ नहीं पता। तो ये ओ भाई ये कैसा जंप था, हेलीकॉप्टर से ऊपर जंप कर गया और हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है और हम हेलीकॉप्टर के ऊपर से जाके गिरेंगे। ओ भाई साहब हेलीकॉप्टर तो गया पानी में और अब हम भी गए पानी में। ये ओ भाई साहब अभी ये कहां जा रहा है, अरे भाई कुछ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये एकदम ब्लैक होल के अंदर जा रहा हो, शायद पाताल में जाके रुकेगा। भाई ये एकदम डीप चला गया है पाइप पानी के अंदर और पता नहीं अब ये कहाँ जाके रुकेगा, मरेगा या नहीं मरेगा ये भी नहीं जानते, शायद नहीं मरेगा पता नहीं, बस ये ऐसे जाए जाएगा और एकदम गायब हो जाएगा। तो बस यार दोस्तों आज के गेम प्ले वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।